टुडे वी डिस्कस अबाउट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर बीएससी सेकंड ईयर का टॉपिक है, उसको अपन आज डिस्कस करेंगे। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है? एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायड होता है, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आर द क्लासीफाई एज अ थ्री फैक्टर, इसमें थ्री फैक्टर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट, मतलब एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं एजेंट। एजेंट क्या होता है? एजेंट फॉर अक्रेंस ऑफ डिजीज एंड एजेंट इज आर इटियोलॉजिकल फैक्टर, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड। जो एजेंट होता है, मतलब किस एजेंट की वजह से जो डिजीज़ होती है, एजेंट जो डिजीज़ को कॉज कराने में हेल्प करता है, मतलब कॉज कराने में हेल्प करता है, और जो डिजीज़ का जो इटियोलॉजिकल फैक्टर बनता है वो एजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं एजेंट के अंदर फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट मतलब दीज आर मैनी फिजिकल फैक्टर डैट मे प्रोड्यूस डिजीज़ विच कैन रिजल्ट इन एन इंजरी। मतलब जो फिजिकल एजेंट के अंदर, मतलब एजेंट किसकी किसी भी डिजीज़ को प्रोड्यूस कराने में जो रिजल्ट कर सकता है, उसको अपन फिजिकल एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर आता है इट इंक्लूड्स पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस। जो बायोलॉजिकल एजेंट है, जिसमें मतलब पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करता है, उसमें जो ऐसी डिजीज़ जो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती है, जैसे COVID-19 है जो एक अपने वायरस रिलेटेड डिजीज़ है, जिसमें एज मतलब अफेक्ट करता है, उसको अपन एग्जांपल की तरह बायोलॉजिकल एजेंट देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यूट्रिएंट एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट के अंदर क्या होता है? अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए या न्यूट्रिएंट का एक्सेस हो जाए, उस मतलब उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन में कमी आती है एनर्जी, उसको अपन न्यूट्रिएंट एजेंट कहते हैं। जैसे अपन इसको देखते हैं इट इंक्लूड ऑल बेसिक सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट मे रिजल्ट इन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। मतलब या तो किसी भी मतलब न्यूट्रिएंट की मतलब एक्सेस हो जाए या न्यूट्रिएंट की वैल्यू कम मतलब बॉडी में डिक्रीज हो जाए, उसको अपन उसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, जैसे कोशिका मरास्मस, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जेनेटिक एजेंट। जेनेटिक एजेंट मतलब कोई भी जीन की रिलेटेड कोई कोडिंग में एबनॉर्मलिटी हो जाए, उसको अपन जेनेटिक एजेंट कहते हैं। एन एबनॉर्मल कोड ऑफ जीन मे रिजल्ट इन जेनेटिक एबनॉर्मलिटी विच कैन अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कोई भी जीन की एबनॉर्मल कोडिंग की वजह से जो जीन की जेनेटिक एबनॉर्मलिटी अफेक्ट होती है, उस वो हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट कर सकता है, उसको अपन जेनेटिक मतलब इंडिविजुअल की हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट कर सकता है, उसको अपन जेनेटिक एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं केमिकल एजेंट। दिस एजेंट कैन अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, द एग्जाम्पल आर बर्न विद एसिड एक्सेट्रा। मतलब केमिकल एजेंट क्या होता है? केमिकल एजेंट को अपन समझने के लिए कोई हॉस्पिटल सेटिंग में देखते हैं, कोई बर्न पेशेंट आया है और उस पर जो केमिकल बर्न की वजह से उसकी जो चेंजेस हुए हैं बॉडी के अंदर एसिड की वजह से, उसको अपन एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं केमिकल एजेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट के अंदर एक्सपोजर ऑफ पर्सन विद फ्रिक्शन फोर्स मे कॉज ट्रॉमा, इंजरी और फ्रैक्चर। मैकेनिकल एक्सपोजर को अपन समझने के लिए समझते हैं कोई फ्रैक्चर का या ट्रोमा हो गया या कोई एक्सपोज हुआ है मैकेनिक मतलब कोई इंडस्ट्री के अंदर, जो फैक्ट्री के अंदर जैसे मशीन मतलब बड़ी बड़ी मशीन होती है फैक्ट्री के अंदर, उसकी वजह से कोई भी मतलब इंजरी हो जाए, ट्रोमा हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए, तो उसको अपन मैकेनिकल एजेंट के अंदर कंसिडर करते हैं। अपन ने ये एजेंट पढ़ा। एजेंट मतलब क्या होता है? एजेंट की वजह से डिजीज़ होती है, एजेंट डिजीज़ को कॉज कराने में हेल्प करता है, और जो डिजीज़ का जो इटियोलॉजिकल फैक्टर बनता है वो एजेंट होता है। जैसे अपन एजेंट के अंदर देखा कि एजेंट के अंदर किन किन कारणों की वजह से, जैसे फिजिकल हो सकता है, फिजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट,
न्यूट्रिशनल एजेंट अपने अफेक्ट कर सकता है ह्यूमन बींग को, जेनेटिक हो सकता है, केमिकल, देन अपन ने मैकेनिकल। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं होस्ट के बारे में। होस्ट क्या होता है? होस्ट इट इंक्लूड फैक्टर लाइक एज। चिल्ड्रन आर मोर प्रोन ससेप्टिबल टू फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन एज कम्पेयर टू एडल्ट एंड ओल्ड। जो चिल्ड्रन होता है उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो वो मोर ससेप्टिबल है किसकी तुलना में? एडल्ट और ओल्ड एज की तुलना में। तो ओल्ड एज की तुलना में जैसे न्यू बॉर्न को अपन एग्जाम्पल के लिए न्यू बॉर्न देखते हैं, तो वो ससेप्टिबल है चिल्ड्रन और कंपेयर टू एडल्ट या ओल्ड पर्सन की। मतलब उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो कोई भी नॉर्मल भी उसको कॉमन कोल्ड या कोई भी इन्फेक्शन उसको इजीली हो सकता है कंपेयर टू एडल्ट एंड चाइल्ड की तुलना में। नेक्स्ट अपन देखते हैं जेंडर। जेंडर के अंदर अपन देखते हैं द जेंडर डिफरेंस ऑफ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैन रिजल्ट इन पर्टिकुलर जेंडर रिलेटेड डिजीज। एग्जाम्पल प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है वो फीमेल में होती है, मतलब फीमेल में होती है एडल्ट की तुलना में, एडल्ट में होती नहीं है प्रेगनेंसी क्योंकि फीमेल है, फीमेल में ही होती है। उसकी वजह से क्या होता है, ये फीमेल में होने वाली है जिससे इसमें क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम में और जो ब्लड प्रेशर है वो इंड्यूस करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के अंदर अपन देखते हैं ऑक्यूपेशन ऑफ अ इंडिविजुअल कैन कॉज सर्टेन ऑक्यूपेशनल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स वर्किंग इन कोल माइन आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज लाइक अस्थमा एंड आर मोर प्रोन टू गेट रेस्पिरेटरी डिजीज। अपन इसको देख समझते हैं कि ऑक्यूपेशन जो होता है वो कैसे अफेक्ट करता है होस्ट को। ऑक्यूपेशन जो कोल माइन के अंदर वर्कर काम करते हैं, कोल माइन के अंदर वर्कर काम करते हैं तो उनको चांस, उनको रिस्क है अस्थमा का, अस्थमा का रिस्क होता है तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने के, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के वो प्रोन या ससेप्टिबल हैं। जैसे कोई कोल माइन के अंदर या बड़ी बड़ी खदानों में काम कर रहा है तो उसको रिस्क है, किसका रिस्क है, डिजीज़ अस्थमा होने का। अगर अस्थमा लंबे टाइम अस्थमा रहता है तो उसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने के चांसेस है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द डिजीज़ विच आर अकर एट ओवरसाइट एंड एजुकेटर क्लास नोन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज न्यूट्रिशन एंड हेल्थी लिविंग। एजुकेशन से अपन समझते हैं एजुकेशन, अगर जो एजुकेटेड पर्सन है उसको कोई, मतलब उसको कोई भी बात समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बुद्धि से या अपने जो भी एजुकेटेड उसने नॉलेज लिया उससे वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, और जो अनएजुकेटेड है उसको अपन को गाइडेंस करनी पड़ेगी। तो जो इसमें एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है, जो एजुकेटेड है वो अपनी सावधानी रखेगा, जो अनएजुकेटेड वो उनको नॉलेज नहीं उस बात का, जो डिजीज उसको ससेप्टिबल है तो उससे बच सकता है। फिर एजुकेशन को अपन इसमें जैसे अपन एग्जांपल के लिए समझते हैं कि अपन जैसे अभी तो कोविड-19 चल रहा है तो जिम और बंद है, नहीं तो पहले, मतलब पहले जैसे जिम कोई एक्सरसाइज करता था तो वो एजुकेट हुआ हुआ है पेशेंट, तो वो उसको फिटनेस, वो अपनी हेल्थ इम्यूनिटी को बढ़ाएगा तो उसको कोई भी डिजीज़ या चांस है उसको कम होने का, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन अच्छा ले रहा है और वो अपने प्रिवेंशन और कंट्रोलिंग अच्छा से कर पाएगा, इसलिए एजुकेशन इज द इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हैबिट। हैबिट के अंदर अपन देखते हैं इंडिविजुअल हैबिट एंड लाइफ स्टाइल कैन अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। एग्जाम्पल इन टूडे सिचुएशन द सब्सटेंस इज एब्यूज इन इंक्रीज एट अलार्मिंग रेट विच इज डिस्ट्रॉय द हेल्थ स्टेटस ऑफ यंगर जनरेशन। हैबिट के अपन देखते हैं जो ससेप्टिबल है, मतलब हैबिट से इंडिविजुअल हैबिट है जो अपनी लाइफ स्टाइल है उसको अफेक्ट कर रही है इंडिविजुअल की, क्योंकि जो मतलब यंगर चिल्ड्रन है तो वो ड्रग एब्यूज़ ज़्यादा लेते हैं, उनकी जो हेल्थ स्टेटस है वो डिक्रीज होती है, और उसमें जो ज़्यादातर ये अपने यंगर चिल्ड्रन देख रहे हैं जो ड्रग एब्यूज़ करते हैं उसको अपन, उनकी हैबिट में आ चुका है तो उसको स्टेटस है, मोर प्रोन है वो हेल्थ स्टेटस के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं जेनेटिक। जेनेटिक के अंदर जो फैक्टर होते हैं उनको अपने हेल्थ स्टेटस अफेक्ट करती है। सम डिजीज़ आर डिटरमाइनिंग बाय हेरिडिटी। जो हेरिडिटी
हेरिडिटी से जो जेनेटिक में चेंजेस आ रहे, जो पर्सनैलिटी ऑर्डर हो गया, जैसे कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो गया, जैसे हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, तो ये अफेक्ट करते हैं फैक्टर हेल्थ को। अपन ने देखा होस्ट, अपन ने एजेंट पढ़ा, होस्ट पढ़ा, होस्ट के अंदर अपन ने एज देखी, एज के अंदर अपन ने देखा चिल्ड्रन है जो अफेक्टेड कर, मतलब प्रोन चिल्ड्रन है जो अफेक्ट हो रहा है, मतलब कोई भी उसको इजीली इन्फेक्शन हो जाता है, न्यू बॉर्न है जैसे कंपेयर किया अपन ने होस्ट है उससे। नेक्स्ट अपन ने जेंडर डिस्कस किया, उसके बाद अपन ने ऑक्यूपेशन डिस्कस किया, फिर एजुकेशन अपन ने डिस्कस किया, फिर अपन ने हैबिट डिस्कस की, नेक्स्ट अपन ने जेनेटिक डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर अपन डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है, मतलब एनवायरनमेंट है जो अपने को डिजीज से कैसे बचा सकता है और इसके बीच में क्या इंट्रैक्शन है उसको अपन डिस्कस करते हैं। एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट इज द इंट्रैक्शन, एनवायरनमेंट है इंट्रैक्शन बिटवीन होस्ट एंड एजेंट विच में प्रमोट द अक्रेंस ऑफ डिजीज अ पर्टिकुलर एरिया। एनवायरनमेंट है जो डिजीज से अपने को कैसे बचा सकता है और इसमें और कैसे इंट्रैक्शन होते हैं एनवायरनमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में फैक्टर लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, हाउसिंग हो गया, सैनिटेशन हो गया एक्सेट्रा। अब अपन एनवायरनमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं जैसे पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया। अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो उससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर वाटर पॉल्यूशन होगा तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर सैनिटेशन सही नहीं है तो सैनिटेशन लाइक डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। इसको अपन फिजिकल एनवायरनमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई विच कैन कॉज डिजीज और टू अ हेल्थी पर्सन डेट कैन बी अफेक्टेड द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर जैसे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया अफेक्ट कर सकता है, डिजीज़ को करने में मदद करता है, इंडिविजुअल को हेल्थ स्टेटस अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशियो इकोनॉमिक का मीन्स अपन को पता है सोशियो और इकोनॉमिक अपनी अर्निंग से रिलेटेड है। इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। एग्जाम्पल पॉवर्टी लीड टू माल न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैन कॉज मेंटल इलनेस। मतलब पॉवर्टी से अपन समझ सकते हैं अगर अपनी इनकम नहीं है कि जो अपने को न्यूट्रिशनल अपन ले रहे हैं वो अच्छा नहीं ले पा रहे, अगर इनकम नहीं होगी तो न्यूट्रिशनल स्टेटस है जो अपना अच्छा नहीं होगा, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो जो न्यूट्रिएंट है उनकी वैल्यू जो बॉडी में रिक्वायरमेंट है जो पूरी नहीं होगी तो उससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के चांसेस है। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पॉवर्टी है, मतलब गरीबी बोलते हैं, जो लीड करती है माल न्यूट्रिशन को। और आगे फिर अपन ने साइकोलॉजिकल देखा, साइकोलॉजिकल अगर स्ट्रेस होगा तो मेंटल इलनेस कॉज करेगा, इसलिए अपने को न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब अच्छे न्यूट्रिएंट लेने चाहिए, इससे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। अपन ने डिस्कस किया आज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड।